सहरसा सदर थाना क्षेत्र के बस्ती निवासी मोहम्मद शमशेर आलम अब्दुल सलाम की रंगदारी नहीं देने के कारण अपराध कर्मियों द्वारा जेसीबी से मकान क्षतिग्रस्त किया गया और लूटपाट को भी अंजाम दिया गया, जिसको लेकर सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दिए गए आवेदन में उन्होंने कहा कि हटियागाछी स्थित अली रोड से विगत 22 वर्षों से जमीन खरीद उस पर घर बनाकर अपने परिवार के साथ रह रहा हूं। उन्होंने बताया कि मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद सुब्रान, मोहम्मद सबरी व मोहम्मद राजू, मोहम्मद शमशाद सभी सहरसा बस्ती वार्ड नंबर 31 के निवासी हैं। वे लोग हम लोगों से रंगदारी मांग रहे थे। वहीं नामजद लोगों के साथ 50 से 60 की संख्या में अज्ञात अपराधियों ने मंगलवार की शाम अपने हाथों में बंदूक, तलवार, फरसा एवं जेसीबी मशीन के साथ मेरे घर को तोड़ना शुरू कर दिया। वहीं मुझे गाली गलौज देते हुए थाने में आवेदन देने का विरोध जताया। इतना कहते ही मोहम्मद आरिफ अपने साथ आए अब सभी अपराध कर्मियों को आदेश दिया, घर को लूट लो। वहीं विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए जेसीबी से घर को तोड़कर ध्वस्त कर दिया। उसी क्रम में मेरे घर में भी घुसकर वो लोग लूटपाट करने लगे। लूटपाट के क्रम में असामाजिक तत्व एवं अपराध कर्मियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि उस वक्त घर में केवल महिला भी थी और जिसके साथ छेड़खानी भी की गई। वहीं घर में रखे लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के सामान को लूट लिया गया। पीड़ित ने इस संबंध में सदर थाना एसपी डीआईजी सहित अन्य पदाधिकारियों को आवेदन देकर जान माल की रक्षा करने एवं दोषी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का न्याय दिलाने की मांग की है। ज्ञात है कि उक्त जमीन पर न्यायालय में विगत 8 वर्ष से मुकदमा चल रहा है। ऐसे में जेसीबी से घर तोड़ना अपराधियों द्वारा न्यायालय की अवहेलना कर कार्यवाही के बावजूद पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं पीड़ित परिवार दहशत में रहने के विवश है और अब आगे देखना है कि बेहद अहम होगा कि सहरसा पुलिस इस मामले को कैसे लेती है और उचित जांच करते हुए दोषी को कब तक कार्यवाही कर। बताइए क्या मामला है? कल आया सबको किरान लेके घर तोड़ने के लिए। हम लोग बोले सर तो बोलता है तुम लोग का भी घर तोड़ देंगे, नहीं तो हम लोग का पैसा दो, नहीं तो यहाँ सीख लो। तुम लोग का भाड़ा पे दिए, हम लोग का कागज पत्र सब है। कितना दिन से रह रहे हैं यहाँ पे? आज हम लोग रह रहे 20-22 साल से रह रहे हैं। कौन आया घर तोड़ने? घर तोड़ने के लिए टैटू वाला आया, अफरोजा का पूरा पार्टी आया, बस्ती का पूरा छोड़ा सब आया है। ये सब मान हम लोग घर में रहते, मर्द नहीं रहता, बाहर में रहता है। घर में घुस के धमकी चमकी देता है, कहता फंसा देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। थाना को सूचना दे दी? थाना तो सबको दिए हुए, कौन थाना में जाकर पैसा उछाल देता है, कौन संभाल लेता है? क्या मांग करते हैं प्रशासन से? आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से बात ही लोग किया, हम लोग तो नहीं किया। आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या हो हम लोग चाहते हैं क्या प्रशासन से? मारपीट इस लोग नहीं कर, जैसे हम लोग का जमीन है, हम लोग का शांति से रहे, लेकिन वो लोग हम लोग का शांति नहीं देता रहने के लिए। बार बार आता टॉर्चर करने के लिए, घर तोड़ देंगे, करे अन्याय दे हम लोग को। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से ही चाहते हैं कि हम लोग अन्याय मिले, अन्याय मिले, कोई नहीं देता है। क्या नाम है आपका? रुखसाना खातून। कहाँ घर है? सहरसा बस्ती वार्ड नंबर 29 है। बताइए क्या मामला है, किस तरह से घटना घटी? कल आया एक दो से आदमी आया और एक बाइक ही जेसीबी लगा करके मकान को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। हमने रोका तो कोई बोला नहीं नहीं रुकेंगे, हम बोले कि मेरा आदमी को आने दो, कम से कम हमको आदमी को आने दो, उसके बाद तुम कर लेना बदमाशी ना, ये भी नहीं रुका। ऐसा करने का क्या कारण? पता है कि हमारा जमीन है ये। 20 लाख रुपए। आप कब से रह रहे हैं? हम 15 साल से रह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? कहाँ कहाँ आवेदन दिए? SDO कोर्ट में दिए हैं और थाना में दिए, SP में, SP को, DSP को। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अन्याय मांगते हैं। और बताइए, और इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। अब क्या गुहार लगा रहे हैं जिला प्रशासन से, न्यायालय से, क्या गुहार लगा रहे हैं? न्याय चाहिए हमको, हमारे घर को तोड़ दिया आकर के, मेरे जान पे खतरा था। क्या नाम हुआ आपको? तमन्ना परवीन। कहाँ घर है? सहरसा। कहाँ का मामला? हथियागाछी अली रोड का।